हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर पर आप लोग शीट मास्क कैसे तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 शीट मास्क बताने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे ना तो और भी बहुत सारे शीट मास्क आप लोग अपने लिए तैयार कर सकते हैं। शीट मास्क का काम होता है फ्रेंड्स, स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज, नरिश और सबसे ज्यादा हाइड्रेट करना और स्किन में इंस्टेंटली ग्लो लेकर आना। तो जो भी हम लोग पैक घर पर अगर हम लोग लगाते हैं, जो भी अगर हम लोगों को कुछ जूस वगैरह भी निकाल के लगाए फेस पर, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, यानी 5 से 10 मिनट में ड्राई हो जाता है। और अभी गर्मियों में तो और भी जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो उसके इतने अच्छे बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन शीट मास्क को अगर हम लोग 15 से 20 मिनट भी फेस पर लगा के रखते हैं तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। यानी शीट मास्क में जो भी सीरम होती है, जो भी मॉइस्चर होता है, उसको स्किन हमारी बहुत अच्छी तरह से जो है अब्सॉर्ब कर लेती है और एक बहुत ही अच्छा इंस्टेंट सा ग्लो आप लोगों को मिल जाता है और स्किन साथ में हेल्दी भी हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को शीट मास्क का यूज जरूर करना चाहिए। ये वाली जो शीट मास्क मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, 3 शीट मास्क जो घर पर हम लोग बनाएंगे, उसके भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि इन शीट मास्कों को कैसे आप लोगों को रेडी करना है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि तीनों शीट मास्क जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। लोगों को इस तरह की शीट मास्क की जरूरत पड़ेगी। ये ड्राई शीट मास्क होते हैं, इन्हें किसी भी तरह के कोई भी जूस में या फिर सिर्फ पानी पर भी डाल लेंगे आप लोग तो ये जो पूरी तरह से फूलकर शीट मास्क जो है बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से ये जो शीट मास्क है बनकर रेडी हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा इसका पानी जो है हल्का सा निचोड़ करके आप लोग कोई भी जूस या जो भी हम लोग बना रहे पैक उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा शीट मास्क है वो है फ्रेंड्स दही शीट मास्क, और इसमें आप लोगों को 2 छोटे चम्मच दही लगेंगे। उसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से आप लोगों को निकाल के उसमें 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी मिक्स करना है। अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर का लाना है, उसे मिक्स करके और इस तरह से शीट मास्क पर लगाना है। इसके बाद में थोड़ा सा जो हमारा जो पैक है उसे पहले फेस पर लगाना है और उसके बाद में शीट मास्क को उसके ऊपर आप लोगों को लगाना है। शीट मास्क को निकालने के बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को जो है फेस को वॉश करना होगा अपने ठंडे पानी से, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा और बहुत ही अच्छा पैक है ये दही, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है स्किन के लिए। दूसरा जो हमारा जो शीट मास्क है फ्रेंड्स, ये है कुकुम्बर शीट मास्क, और यहाँ पर आप लोगों को चाहिए खीरे का लगभग 2 से 3 चम्मच जूस, और यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, क्योंकि जो कुकुम्बर होता है उसका जो जूस होता है बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। फ्रेंड्स इसे हम लोग थोड़ा सा थिक करने के लिए इस पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल रहे हैं और स्किन के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं एलोवेरा के। जो शीट मास्क है फ्रेंड्स स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करेगा और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा कूल कूल आप लोगों को फील होगा। तो इसमें मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स विटामिन सी की 2-3 ड्रॉप, यहाँ पर आप लोग कोकोनट ऑयल का भी 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं अगर आप लोगों के पास सीरम नहीं है तो। के बाद में फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा पानी है शीट मास्क में उसे हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से, और इस लिक्विड जो फॉर्म है हमारा जो कुकुम्बर का जेल बना है उसे हम शीट मास्क पर अच्छी तरह से लगाएंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और उसके बाद उसी शीट मास्क को अच्छी तरह से फेस पर लगाएंगे, तो देखेंगे आप लोगों को बहुत इंस्टेंटली हाइड्रेट हो जाएगी स्किन, ग्लोइंग एंड हेल्दी हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे शीट मास्क आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी फ्रूट वगैरह लाते हैं उसके भी आप लोग शीट मास्क तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा शीट मास्क है फ्रेंड्स वो है मुल्तानी मिट्टी शीट मास्क, जिसमें आप लोगों को लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1/2 चम्मच इसमें ऑरेंज पील पाउडर मैंने लिया है, साथ ही रोज वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे लगभग 1 चम्मच, कि पेस्ट हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो ये जो पैक हम लोग तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स इसे बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाढ़ा नहीं लगना है, यानी कि ऐसा रखना है आप लोगों को कि शीट मास्क में अच्छी तरह से ये लग जाए। और ऐसे भी अगर हम लोग मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो शीट मास्क के साथ में बहुत टाइम तक आप इसे स्किन पर लगा कर रख सकते हैं। लगभग हर जो शीट मास्क है उसको आप लोगों को 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, इतने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग देख पाएंगे। तो ये शीट मास्क को मैंने लगाया फ्रेंड्स तो ये बाहर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, गीला ही था 15 मिनट तक के। लेकिन आप लोगों का अगर शीट मास्क ड्राई हो जाता है तो बाहर से आप रोज़ वाटर को इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और शीट मास्क को जो है थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग जो स्किन जो है हमारी कितनी ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग लग रही है। ये थी आज की मेरी शीट मास्क की वीडियो। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।